आपको पता होना चाहिए, सारी आज गूगल पे सब रेटिंग गिवन है, आप जाके देखो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कॉलेज कैसा है। और भीड़ वाले कॉलेजों में तो जाना ही मत, दूर दराज एक कॉलेज है जहां पर कोई पोटी करने भी नहीं जाएगा, उसकी फट जाएगी, लोटा लेके भागता आएगा, वहां पर कॉलेज है, समझ लो। मतलब कुछ कॉलेजेस मैंने ऐसे जंगल में कॉलेज, ओ माय गॉड, जंगल में कौन कॉलेज रखता है यार, डर जाए आज, मतलब मैं पोटी करने ना जाऊं जंगल में, जंगल में कॉलेज है, पता लग रहा है रात को सांप लौटते हुए आ रहा है हॉस्टल के अंदर, सच है ऐसा होता है, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या है ये। और सच है जंगलों में जमीन जब क्या कैसे कॉलेज बना लिए, जमीन मिल रही थी, सेठों के पास पैसों की कमी नहीं है, जंगल में जमीन बहुत सस्ती मिल गई, जंगल में कॉलेज खड़ा कर दिया, वहीं पे चीटे निकल रहे हैं, वहीं पे सांप निकल रहे हैं, वहीं नेवले निकल रहे हैं, कॉलेज के अंदर ही सांप घूम रहे, बोले क्या ये तो एंजॉयमेंट है, सांप काटो, तुम डॉक्टर बनने आए हो, काटो सांप, अरे हद हो गई, समझ लो। इसे कॉलेज की लोकेशन चेक करना, लोकेशन समझते हो, लोकेशन क्या होता है, कॉलेज मस्ट बी सिचुएटेड इन अ गुड लोकेशन यार, लड़कियां तो स्पेशली ध्यान रखना, आपको भीड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, मना कर दो, समझ में आया। और पता नहीं मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज देखे जो एकदम ऐसे सुनसान इलाकों में, वहां पर कैसे पढ़ रहे हैं लोग मुझे समझ नहीं आता, कोई क्लास नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सीढ़ियों पर चलते हैं तो पान की पीके थुकी पड़ी है, इतने गंदे गंदे कॉलेज हैं, कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आता, कहां से एडमिशन हो जाते हैं उन कॉलेजों में, वो उन्हीं में होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, बाद में पता लगता है किस कॉलेज में आ गए, समझ रहे हो, फिर बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। और ये सच है, दिस इज द ट्रुथ, इसलिए बी केयरफुल, कॉलेज को चूज करने से पहले गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि कॉलेज कैसा है, ऐसे कुछ मनमानी से मत उठा लेना।